मोदी भी किसी राजनीति के तहत वाराणसी लोकसभा से जीतने गए हैं, वहाँ उनका अपना क्या वोट बेस है? क्या है कोई भी आदमी लोकसभा को चुनाव तो किसी भी सीट से लड़ सकता है। किसी राजनीति के तहत वो वाराणसी लोकसभा गए हैं, गुजरात के रहने वाले हैं और वाराणसी से दो बार चुनाव जीते हैं और इस बार कह रहे हैं कि हम अयोध्या से लड़ेंगे। राहुल गांधी कहा राहुल गांधी पर हम कोई कमेंट्स नहीं, राहुल गांधी को जानते ही नहीं है, नहीं जानते। क्या बोला वाराणसी, इनसे जरा पूछो मोदी जी ने वाराणसी की क्या छवि चेंज करी है, पूछो जरा कितना विकास वाराणसी में मोदी जी ने कराया। ये कह रहे हैं कि मोदी जी किसी राजनीति के तहत बनारस गए हैं तो राहुल गांधी वायनाड कहे गए वहाँ रहते हैं ना। देखिए राहुल गांधी, अरे नहीं भैया ऐसा नहीं, राहुल गांधी पर हम इसलिए नहीं बात करेंगे कि यहाँ 90% बीजेपी के समर्थक लोग हैं जो कि उल्टा हो रहा है सारा। 85-90% जनता है उसको अपना हक नहीं मिल रहा है, खाली 10% ही जनता सारी व्यवस्था और सारा हक ले रहे हैं। कहाँ हक मारा जा रहा है? शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर जगह तो मारा जा रहा है हकदारी। जब 5 लाख तक का, हाँ पहले ये बताओ स्वास्थ्य के लिए जो आयुष्मान कार्ड बना, क्या वो जाति धर्म देख के बना, क्या किसी और आधार पर डिस्क्रिमिनेशन? ठीक है भाई, आप ये कहते हैं कि ये फला जातिवादी पार्टी है, ये जातिवादी पार्टी है, ये जातिवादी, सबसे बड़ी अगर जातिवादी कोई पार्टी है तो बीजेपी है। कैसे भैया? क्योंकि क्योंकि वो एक मिनट रुक के, बार बार माइक इनकी, बीजेपी जो बीजेपी जो टिकट देती है पूरा सर्वे करके जाति के आधार पर एवरीथिंग फाइनल करके तब वो टिकट देती है। ये जाति जनगणना तो ये राहुल गांधी पीछे पड़ा हुआ है, और कौन कर रहा है? वो तो जाति जाति वो कर रहा है, जाति गणना है, लोकतंत्र का अधिकार है, ताकि आरक्षण के नाम पे दंगे कराए, ताकि ये चाहते हो आप लोग आरक्षण के? हाँ, बीजेपी कहाँ मना करेगी, हम आरक्षण नहीं देंगे, आरक्षण बिल्कुल बंद होना चाहिए। ऐसे बोलो कोई जाति नहीं तो अधिकार हो, बीजेपी क्यों कहती है कि नहीं आरक्षण, सबको समान अधिकार, समान शिक्षा, सबको पूरा मौका मिलना चाहिए। ये कह रहे कि हक मारा जा रहा है लोगों का, काहे का हक, जो योग्य है उसका थोड़ी हक मारा जाएगा, तुम जाति के नाम पर जो योग्य नहीं है उसको आगे करोगे तो उसका हक मारा जाएगा। बीजेपी खुलेआम ये क्यों नहीं कहती है? ये तो कहती है ना कि हम आरक्षण देंगे, बीजेपी क्यों कहती है हम आरक्षण देंगे? आरक्षण को तो बीजेपी क्यों नहीं अपने मुख से कहती है कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए? आप बंद कराओ ना ये जाति जनगणना, बंद कराओ। अच्छा ये बताइए 10 साल का काम हुआ, 10 साल में कुछ देश में नहीं भैया अंधे ये नहीं दिखेंगे ना कुछ? अरे भाई साहब पूछ, 10 साल में काम, बेरोजगारी है, बेरोजगार लड़कों को जॉब मिलनी चाहिए। ये सिविल इंजीनियर भी है, ये नेता भी है, ये किसान भी है, सारी जॉब इनके पास है। बोलिए भाई साहब, अरे आवाज तो रखना, परिवार को तोड़ते, जिनके 2 बच्चे हैं उनके लिए कोई बेरोजगारी नहीं है देश में, और जिनके 4 हैं, जो 4 है 8 है उनके लिए तो रहेगी ना बेरोजगारी। हम राहुल को जानते ही नहीं है, राहुल कौन है? बात राहुल की नहीं कर, राहुल पर हम क्यों बोले? क्यों विपक्ष ने तो आदमी जो आदमी सत्ता में है हम उसकी बात करेंगे, जो राहुल कुछ नहीं है तो उनकी क्या बात करें? बोले तो इस बार किसको मौका दे रहे हैं 24 में किसको? लोकतंत्र में जो जीतेगा, जो जीत कर आएगा, जिसको जनता चाहेगी वो 24 में कौन जीत बनेगा? 24 में कौन जीत के आ रहा है? लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, पहले चुनाव होगा, इसके बाद में नेता चुना जाएगा। नरेंद्र मोदी जी कोई है विपक्ष में? देखिए ऐसा है ना कि पार्टी बेस पर चुनाव होता ही नहीं है, जितने लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट आएंगे 540, उसमें जो नेता चुनेंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। आप युवा है, इन्होंने बात की है कि युवा बेरोजगार है, अन्याय हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे बैग में एडमिट कार्ड रखा है, मैं यूपी पुलिस का पेपर देने जा रहा हूँ प्रयागराज। अच्छा, मैं आपको एडमिट कार्ड भी दिखाता हूँ, 18 तारीख को है। तो जो प्रयास नहीं करेंगे, जिनको यही नॉलेज, मैं बता रहा हूँ, हम युवा हैं, हम दिल्ली से ग्रेजुएट हैं, पिछले 10 साल से हम जो भी नोटिस करते थे थोड़ी बहुत सुधी, कभी इतनी वैकेंसी नहीं निकली जितनी पिछले 3 साल में निकली है। मैं उंगलियों पे गिनवा दूंगा आपको इतनी वैकेंसी उस नहीं है। मैं बताता हूँ अंकल जी, आप सुनते जाना, दिल्ली पुलिस में 3 साल से पहले दोबारा भर्ती कभी होती नहीं है, लेकिन हर साल हो रही है 3 साल से लगातार। हरियाणा पुलिस जिसमें कभी भी भर्ती 6-7 साल ऐसे आती थी, हरियाणा पुलिस की अभी पेपर हुए हैं, परसों उनकी लिस्ट आई है, जो बच्चे उधर जा रहे हैं करनाल उसके लिए 20 तारीख को फिर फॉर्म खुल रहे हैं, 6,000 पोस्ट के लिए परसों खुल रहे हैं 20 तारीख को फॉर्म। 60,000
अभी जो 60,000 की वैकेंसी आई है वो फिलअप कब होगी, उसका रिजल्ट कब निकलेगा, उसका रिजल्ट कब निकलेगा, आएगा ना रिजल्ट तो कब आएगा? अभी कल कल बाद आएगा, कल ही जो वेटिंग लिस्ट थी वो भी क्लियर करी है, कल वेटिंग लिस्ट क्लियर करिए। आप SSC रिजल्ट डालो, नोटिफिकेशन सेंटर पे जाओ, उधर आपको ऊपर नोटिफिकेशन मिलेगी कि जो लिस्ट लटकी पड़ी थी ना वो कल क्लियर हुई है। बच्चों के कांग्रेचुलेशन की स्टोरी जा रही है, भाई फलाने में सिलेक्ट हो गया, भाई फलाने में सिलेक्ट हो गया। दिल्ली पुलिस में अभी भी सिलेक्शन हुए थे? बिल्कुल भाई साहब हुए, सिलेक्शन पेपर हम देखे हैं कानपुर, और आप कहो तो शायद एडमिट कार्ड भी निकाल के दिखा। एक बात बताओ, जब मोदी जी 2014 में आए थे तो 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, कह रहे हैं कि युवा जो पकौड़े तल रहा वही रोजगार है। भाई साहब आपको मैं एक बात बताता हूँ, आज आदमी की सोच ऐसी पनपा दी गई है कि सरकारी नौकरी है तो सब कुछ है वरना कुछ नहीं है। 1991 में हमारी इकोनॉमी खुली, 1991 में चाइना की इकोनॉमी खुली, 1991 में पाकिस्तानी इकोनॉमी खुली। आज पाकिस्तान किधर है? उन्होंने टर्सरी सेक्टर पर काम किया है अपना, मैन्युफैक्चरिंग पे। हमारा क्या है? जॉब बांट दी ठोक के, दफ्तर खोल के, कि भाई सरकारी। आज आदमी की सोच ऐसी होगी भाई कि जो कुछ है ना सरकारी नौकरी है और कुछ भी नहीं है। तो भाई साहब ध्यान दो, टर्सरी सेक्टर पे ध्यान दो। आज हम पे थोड़ा बहुत पैसा फालतू आ जाएगा, हम बिजनेस में जाएंगे, सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो ये कह रहे हैं नौकरी मिल रही है ना, ये एक मिनट, बुलेट ट्रेन जो गवर्नमेंट बनवा रहे, जापान द्वारा बनाया जा रहा है ना, उसका चेकिंग करने वाला इंजीनियर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर है, कॉन्ट्रैक्ट पर है, परमानेंट वहाँ नहीं है कोई। अच्छा, वो मैं हूँ। वो कॉन्ट्रैक्ट, युवाओं को रोजगार तो मिल रहा है ना, तो वो रोजगार कैसा है जो 4 साल बाद 6 साल बाद जो निकाल दिए जाएंगे, उनकी क्या वैल्यू है? अभी पहला बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट वहाँ से चला अहमदाबाद टू मुंबई, तो वो अन्य राज्यों में भी चलेगा, तो वहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में जापानीज ये कॉरिडोर बना रहे हैं। अंकल जी पहली बार कोई चीज भारत में आएगी ना तो वो भी पैसे कमाने के लिए बैठे फॉरन भी, उसके बाद जैसे आप कह रहे हैं ना बुलेट ट्रेन ये मोदी लाए, मोदी कतई ही नहीं लाए, ये 30 सालों से 35 सालों से वाराणसी में जायका करके वो ऑलरेडी वहाँ गंगा नदी का विकास कर रही है। ये आज का नहीं है, ये जो जापानीज कंट्री यहाँ काम कर रही है, ये कांग्रेस के समय से ही काम चल रहा है। जापानीज की स्पेलिंग पूछो भाई साहब, ना छोड़ो। मैं भाई साहब एक बात बता रहा हूँ, आज भी जितने काम हो रहे हैं ना ये कांग्रेस के बनाए हुए प्रोजेक्ट हैं, लेकिन उन्हें करने नहीं थे उन्हें, आधे प्रोजेक्ट हैं लेकिन उन्हें करने नहीं थे। ये आइए गवर्नमेंट ये कर रही है। KMP हमारे पलवल है भाई, हमारा शहर पलवल से, हाँ जी, KMP हमारे शहर में उतरता है, वो पास था 20 साल पहले का, लेकिन उन पर बनाया नहीं गया, बोर्ड काट दिए, खेतों में यहाँ से हाईवे जाएगा, इन्होंने आते 2 साल में बना के तैयार कर दिया। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जो पहले के पास है लेकिन उन्होंने बनाए नहीं, क्यों? क्योंकि कोई पैसा नहीं होता, कोई कुछ नहीं। लोग आरोप लगाते हैं कि मोदी श्रेय लेने का काम करते हैं, सिर्फ क्रेडिट ले रहे हैं। भाई साहब डिजर्व करते हैं, कोई ऐसे मुद्दों को सुलटा के दिखाते हैं जिन पर 500 साल से लड़ाई चल रही है। अच्छा, हाँ जी डिजर्व करते हैं वो तो श्रेय। लोग कह रहे हैं कि पहले राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया, अरे वो डिजर्व करते हैं उद्घाटन ऐसे करना, हमें पता है पॉलिटिकल मुद्दा है। आप कह रहे हैं कि 14 के बाद से देश में युवा सही है, सक्षम हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन राहुल गांधी जोड़ो न्याय, भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के चल रहे हैं और कह रहे हैं कि हर वर्ग परेशान है। भाई साहब अच्छी सोच है, अगर कुछ प्रगति कर सके आदमी, अच्छी सोच है, बच्चे भारत जोड़ो यात्रा करो चाहे कुछ भी करो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ नहीं है, वैसे ऐसे ही है। ये भारत टूटने का खतरा ही नहीं, भारत जोड़ो वालों से ही है आज के टाइम में, इनसे ही खतरा, हाँ इनसे ही खतरा है देश को। अगर ये सही हो जाए तो भारत जुड़ा ही हुआ है, भारत जुड़ा ही हुआ है, शुरू से आखिरी तक जुड़ा हुआ है। ये कह रहे खतरा है भारत को मोदी से, खतरा लोकतंत्र खतरे में, तानाशाही का राज है। अब इनकी जेल यात्रा शुरू होने वाली है, ये न्याय यात्रा कर रहे हैं ना, अब इनकी जेल यात्रा भी शुरू होने वाली है। जो इन्होंने कर्म कर रखे हैं सब सामने आ, क्या कर्म कर दिया ऐसा, सारे घोटाले कर रखे हैं, जब सब काय के लिए बेल पे बाहर आई है, ये बेल पे काय को बाहर है, कोई अच्छे कर्म कर रखे है क्या इन लोगों ने, ये बेल पे क्यों बाहर है, इसीलिए तो बाहर है। अभी देखना इनका कांग्रेस खत्म हो जाएगी, सब ये जब रिजल्ट आएगा तो शोक सभा मनाएंगे सब। ये कह रहे हैं ईडी और CBI का लगातार दुरुपयोग कर रही है सरकार। भाई अगर कुछ रखा है तभी तो ईडी वाले पीछे है, अगर तुम्हारे घर में कुछ नहीं है तो काहे को ईडी का डर है, अगर तुम्हारे पास कुछ गलत पड़ा है तभी तो ईडी से डरते हो। अरे उन्हें संसद में नहीं बोलने दिया जाता, निलंबित कर देते हैं, वो बोलने लायक ही नहीं है, उसको कुछ बोलना ही नहीं आता, इतना पढ़ा लिखा रहता है साहब, आटे को लीटर में बताता है, बताओ जी कौन कौन इसको कहाँ से बोलना आता है, पढ़ा लिखा, एक अच्छी गलती तो हो भी जा, अरे काय की डिग्री है उसको, आपको पता है क्या कौन सी डिग्री है उसके पास, आपको पता है नकल मार, विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, अरे वो फॉर्म भरने के लिए भी नकल मारता है मोबाइल से। आप बताओ
ऐसा है कि अभी आप जैसे कर रहे हैं वो बुलेट ट्रेन जापानीज बना रहे हैं, जबकि जापान में खुद भुखमरी है, जापान में खुद भुखमरी है। अभी दो दिन अभी दो दिन पहले अरे सुन लीजिए, अभी दो दिन पहले ही पेपर में आया हुआ है। क्या आया पेपर में? आया बताओ कहाँ है, कौन से पेपर में बताओ? ठीक है अभी हम दिखा देते हैं, अभी हम बोल लेते हैं, मोबाइल मोबाइल में होगा, अभी हमारे मोबाइल में होगा ये चीज तुरंत तुरंत। अच्छा एक बात बताइए, आप बनारस के रहने वाले हैं, आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने बनारस को चमका दिया है। पहले इनसे पूछो जापान है कहाँ पर, जापान नक्शे में मुझे बताइए। देखिए मेरा सवाल सुनिए, आप उधर मत जाइए, कि 10 साल पहले बनारस के क्या हालात थे, अब मोदी जी ने चमका दिया है। आपका रन चमका दिया, जिस एरिया में मैं रहता हूँ 10 साल से वहाँ सड़क नहीं बनी है। आपके आपके पहाड़ी वाराणसी में जो मेन प्लेस है पहाड़िया मंडी है। अच्छा। पहाड़िया मंडी से लगा हुआ जो रोड नॉर्थ को जाता है वो 10 साल से बना नहीं है। आपकी विधानसभा रोड में गड्ढे हैं। विधानसभा वो उत्तरी विधानसभा एंड शिवपुर विधानसभा है। अच्छा वहाँ से विधायक कौन विधायक भाजपा के हैं दोनों। अच्छा तो कभी आपने उनके सामने ये बात रखी? एकदम लिख कर दिया हुआ है लेकिन फिर भी काम नहीं चल रहा। कहते हैं बन जाएगी लेकिन आज तक नहीं बनी, 10 साल से रोड झूठा आश्वासन हुई। 100% फैक्ट है ये, जस्ट पहाड़िया मंडी वाराणसी के बगल की रोड है ये। अच्छा तो हाईवे से लगा हुआ है, जीटी रोड से। अच्छा एक बात बताओ, नागासाकी चुप रुकिए पूछो पहले भैया, रुकिए सुनिए, 10 साल में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो देश हित में हुआ? नहीं नहीं मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ड्रॉबैक भी तो हैं, हमारे कहने का मतलब ये है। अच्छा अच्छे काम बताओ, चलो ड्रॉबैक तो आपने गिनवा दिया, दूसरे अच्छे काम बताइए। दूसरे से लीजिए, पहले इनको हम जापान का दिखा दें कमीना। अरे पहले आपने अच्छा बताइए, क्या जापान का क्या दिखा दे, क्या नाम है भाई? नहीं कुछ बोल लेते, दोबारा बोल रहे देव उपाध्याय, मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश? हाँ जी। क्या लग रहा है कि 24 में क्या होने वाला है देश में, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? सर बोलने के लिए शायद मैं आई थिंक शब्द ही नहीं है, और सीधा सीधे एक तरफा है बीजेपी, मतलब बीजेपी आज इस युग में हमको जो देखना था, मैं तो अपने आपको बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि इस युग में हमने एटलीस्ट राम मंदिर जो हमको देखने का मौका मिलना था हमको मिल गया, इस युग में मिल गया। अगर इवन अगर कांग्रेस होती तो नो डाउट 500 साल शायद और भी हो जाते, तो आज तो ठीक है इस युग में मिल गया, 500 साल के 1000 साल और हो जाते तो भी देखने का मौका कभी नहीं मिल पाता। अगर ये चलिए राम मंदिर बन गया, अब बात रोजगार और विकास पे कर लेना। रोजगार क्या है आज भी, अब मुझसे बात करेंगे, मेरा खुद का बिजनेस है, सेल्फ बिजनेस है, इवन मेरे यहाँ पे जो एम्प्लॉय ऑलरेडी काम करते हैं सबको मौका मिलता है। गवर्नमेंट आप देख रहे हैं जैसे चाचा ने भी अभी बोला ऑलमोस्ट कि बेरोजगारी चरम स्तर पर है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, इनके परिवार से थोड़ा सा पूछेंगे कि इनके परिवार में कितने बेरोजगार हैं जो घूम रहे हैं, वेल सेटल्ड फैमिली से ये भी बिलोंग करते होंगे, ये आपको बोल रहे हैं बेरोजगारी बेरोजगारी, एक बार आप इनसे जरा पता करेंगे ये आपको बता देंगे कि क्या चल रहा है। रोड पर न्यूज दिखा रहे थे जापान का, बताइए। अरे हाय हाय अरे बोल लेते भैया, ये गलत बात। नहीं नहीं गलत बात तो है, व्यक्ति की आजादी है, बोलिए खुलकर बोलिए। क्या लिख रहा है इसमें? वहाँ मजदूर की कमी है, चाचा बोल रहे हैं भुखमरी है, उसमें लिखा हुआ है मजदूरों की कमी। नवीनतम आंकड़े कमजोर होते जापान की वास्तव, पूरी बताइए, पूरी ऊपर से बताइए। इस दुनिया में जापान का रुतबा कम होने की संभावना है, संभावना है ना? कई साल पहले ये भैया एंटिसिपेट कर रहे हैं दूसरे देश में, अपने देश के एंटिसिपेशन नहीं हो रहे हैं। जापान डाउन हो रहा है, चाइना डाउन है, यूरोप जर्मनी डाउन हो रहे हैं, ठीक है। अब इस पीरियड में अगर इंडिया ऊपर आ रहा है तो इसमें बुराई क्या है? अगर आप इस सिचुएशन में ग्लोबली जब इकोनॉमी डाउन हो रही है हर जगह और इंडिया की इकोनॉमी अप हो रही है धीरे धीरे, तो आप बताओ इसमें बुराई क्या है? इंजीनियर तुम्हारी चला पर्ची की डिग्री नहीं रखी इंजीनियर की? अरे हम प्रूफ दिखा दिए ना। ये इनका सवाल है कि अगर अन्य राज्यों की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है और भारत की बढ़ रही है तो आपत्ति क्या है? इंजीनियर डिग्री डाउन जा रहा है, ठीक है। आपके पास मुद्रा नहीं है तभी तो जापान वो बुलेट ट्रेन बना रहा है ना। पहले इनसे इंजीनियर की डिग्री मांगिए मत। अच्छा अगर टेक्नोलॉजी भारत में नहीं है और विदेश से भारत में टेक्नोलॉजी रह जाएगी तो आपत्ति क्या है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी अपने देश में। आज से पहले समुद्र के बीच में कोई ट्रेन चली? ऐसा है ना जैसे आप कह रहे हैं ना, यहाँ का जो इंजन है रेलवे इंजन वाराणसी प्रोडक्ट करता है। अच्छा। वो कम से कम 50 देशों में यहाँ वहाँ का इंजन जाता है। मतलब वाराणसी सबसे विकसित शहर है भारत का, मोदी जी ने बनवाया ना? विकसित तो नहीं कहा जा सकता है लेकिन इंजन के मामले में वहाँ प्रोडक्शन होता है रेलवे इंजन के मामले।
और बताइए जर्मनी के जो इंजन्स बन रहे हैं इलेक्ट्रिक और डीजल, बिहार में दो जगह लगे हैं, लालू जी ने लगवाया था, आप बोलिए वो क्या अच्छा नहीं है? कानपुर के लेके सब चीजों का पता है ठीक। तुम यूपी गए, तुम्हें यही नहीं पता, इन्हें 10 साल में वहाँ कुछ काम नहीं दिखाई दिया जब से बीजेपी सरकार। सड़क नहीं बनी, अरे इनकी सड़क बने भी नहीं सकती, क्यों नहीं बन सकती? जैसी इनकी सोच है ना, अब मैं कैसी सोच है, ऑफ कैमरा बात कर रहा था इनसे, जैसी इनकी सोच है इनके लिए कुछ नहीं हुआ, चाहे इनके घर पे सब कुछ लेके दे दे, क्यों इनका पहले कट्टे का व्यापार था, कट्टे का हो गया इनका। चाचा यही बात है, यही तो उनका लोकतंत्र है, वो कार मेरे को कट्टे का व्यापार बता रहे हैं ना। मैं इंडिया के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका हूँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कट्टे बनाते थे, किस विश्वविद्यालय को कहते हैं पहले ये बताएं, इंडिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किसको कहा जाता है? तो आज जवाब मैं दे देता हूँ, तो इन्होंने 10 साल में कुछ ऐसा काम दिखाई नहीं दिया कि एक सड़क नहीं बन रही, तो इनको पहले आपसे पहले जो सरकार थी वहाँ पे यूपी में वो कितनी अच्छी सरकार थी, एक मिनट भैया, जो 6 बजे के बाद निकलते थे ना चाचा, जब तुम आते होगे किसी यूनिवर्सिटी से आते होगे, तो जैसे आपकी जेब में 100 का 500 का तो होता होगा, वो लूटा नहीं लूटा, हमने एक क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन तुम्हारा गया तेल लेने, अब तुम्हारी भाषा मुझे नहीं समझ में आएगी, क्यों इतनी देर से तुम यहाँ फॉर्म भर रहे थे, मैं किस चीज का फॉर्म, इस चीज का फॉर्म भर रहे थे कि इनकी सड़क नहीं बन रही, इनके कहने से 2 बार ये विधायक को लेटर पे लिख के दिया है लेकिन फिर भी सड़क नहीं बन रही, इनकी सुनवाई होगी भी नहीं, मैंने बोला तो है थोड़ी देर पहले कट्टे वालों की सुनवाई नहीं होती, अब कट्टे वालों को ठोका जाता है, मैं इन पे फिर ये कहेंगे मैं इतना पढ़ा लिखा मैंने वो किया ये किया, अरे पढ़े लिखे होने के बाद भी तुमने इस सरकार में कुछ बदलाव नहीं दिखा, दिखा नहीं दिखा भैया, हम तो बता रहे हैं ना कि इंडिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका हूँ, वही बात है, मैंने यही वही बात है, मैं फिर वही कह रहा हूँ, यूपी का क्रीम स्टूडेंट रहा हूँ पढ़ने के मामले में, क्रीम स्टूडेंट, पढ़े लिखे राहुल गांधी भी है, विदेशों में जाता है देश की बुराइयां करता है, पढ़े लिखे चाचा भी है, 10 साल हो गए सरकार को, इतने काम सबने दिखाई दे रहा है, यूपी में इतना काम हो गया, इतना काम हो गया, लेकिन चाचा को नहीं दिखाई दिया, ये तो सवाल करेंगे ना प्रधानमंत्री को, वोट दिए मुझे तो नहीं लग रहा, तुम्हें पता दिया चाचा, नहीं दिया, अब दिए भाई, अब दिए दिए, इतने उदास मन से, कोई दबाव भाई, दबाव मत गिरो, कोई दबाव मत गिरो चाचा, देखो सीधा बोलो, सीधा बोलो कि नहीं दी, मैं तो माइक पर बोल रहा हूँ, जितने 8 विधायक है ना बनारस के, पर्टिकुलर चेहरे से मेरे को जानते हैं, चेहरे को जानते हैं, लेटर दिए आते हैं, लेकिन इनकी सड़क नहीं बन, काम नहीं, काम क्यों नहीं हो रहा यार, इतने पढ़े लिखे होने के बड़ा भेदभाव है, क्या भेदभाव है भाई, इतने प्रसिद्ध चेहरे का, फिर कट्टे वाली बात याद आएगी तुम्हें, भेदभाव में तो भेदभाव भाई, अरे फिर मैं बोलूंगा राहुल गांधी जैसे हैं ये तो राहुल गांधी कैसे, वो भी तो इतने पढ़े लिखे, इनसे ज्यादा पढ़े लिखे है ना, मैं तो मैं तो पढ़े लिखे नहीं हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ बिल्कुल, मुझे तो वहाँ काम दिखाई देता है, अनपढ़ों को काम, काम बताओ चाचा को क्या हुआ, क्या काम नहीं हुआ चाचा, तुम बताओ, काम बताओ, सुनो मैं बता देता हूँ, मैं देखो मैं हरियाणा था, मैं हरियाणा था, ये यूपी से ठीक, 10 साल के काम गिनवा देता हूँ, यूपी यूपी के नहीं पूरे देश के गिनवाओ, यूपी के, अरे 10 साल में पूरे देश के गिनवाता हूँ, पहले सड़कें कैसी होती थी इनसे पूछूंगा, सड़क से ही बात चालू करी थी ना, पहले सड़क कितनी होती थी, माड़ से माड़ा हरियाणा से यहाँ जी दिल्ली से दिल्ली जाते थे, तो ये जो रोहतक वाला रोड है इस पे भी खड़े वड़े ऐसे मिलते थे, आज के टाइम अगर तुम एक बार गाड़ी से चढ़ो, एक हाईवे जो तुम्हारा यूपी से निकल के जाता सीधा रोहतक उतरता जाके, बिल्कुल ठीक, और दूसरी बात जो ये पहले लोटा लेके बाहर जाते थे ना, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी, और टॉयलेट भी 14 से पहले लोटा लेके, ये आरोप लगाना किसी पर आसान बात है, जहाँ ये हरियाणा की बात कर रहे हैं ना, सोनीपत में कनकोर का वो कंटेनर डिपो का क्या कहते हैं ये प्लांट बना हुआ है, जहाँ से विदेश माल सप्लाई होता है, तो उसमें भी आपका योगदान है, उसमें भी हमारा योगदान है, अभी बेरोजगारी की बात कर रहे थे चाचा, सोनीपत में नहीं होता, पानीपत में होता है, इनको याद ही नहीं, ठीक है ना, सोनीपत इंडस्ट्रियल थ्री में, हाँ, वो सोनीपत में होता है, राजलूगढ़ी स्टेशन है, इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी फिर तुमने काम दिखाई नहीं दिए, मैंने बता दो तुम्हें, अरे रोका यार, मुझे पता है राहुल गांधी वाले हैं, फिर तुम उसकी बात करी, राहुल गांधी वाले नहीं, गांजा नहीं पी सकते चाचा, गांजे वाली बात नहीं चाचा, प्यारे हैं लेकिन थोड़े मीठे भी हैं, ठीक है, सुनो 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 भाई, तुम भी उधर उधर भी चल रहे हो, नहीं बताओ, मैं ध्यान इनकी तरफ है या मेरी तरफ है, मैं भाई सारों की सुन रहा, सारों की सुन रहे, तो चाचा
जब आप इतने पढ़े लिखे, हरियाणा में काम किया, वहाँ काम किया, ये किया वो, थोड़े से पढ़े लिखे वहाँ पर, वही तो कह रहा हूँ, इतने पढ़े, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चाचा पढ़े लिखे, बेरोजगारी की थोड़ी देर पहले बेरोजगारी की बात कर रहे थे, इनकी उधर सड़क नहीं बनी और इनके उधर कोई काम ही नहीं हुआ, इनको वो चीज़ें पसंद थी कि छैंप जे के बाद अगर कोई निकलता था कट्टा लगाया और लूट लिया गया, वे चीज़ें पसंद थी। और उसके ही साथ जो इनका एक और वो टोपी वाला टेढ़ी नाक वाला अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जिसके बाप ने गोलियां चलवाई थी राम मंदिर पे, वो 500 साल से मुद्दा चला हुआ था, चाचा को वो भी नहीं दिखाई दिया कि इनके यूपी में एक राम मंदिर भी बन चुका है, वो भी नहीं दिखाई दिया। ये 22 जनवरी को मुझे लगा भांग की गोली खा के सो गए थे। किसी पर आरोप, किसी पर आरोप लगाना जितना आप कह रहे हैं ना, उस मतलब जब 92 के पहले वहाँ मैं खुद गया हूँ और देखा हूँ क्या कंडीशन रही है, कैसी उसकी स्थिति रही है। अच्छा चलो, उसके बाप ने गोलियां चलवाई नहीं चलवाई, मुझे इस चीज का जवाब दो। उसके पहले मैं वहाँ जा चुका हूँ। उसके बाप ने गोलियां चलवाई नहीं चलवाई, इस चीज का जवाब चाहिए। हल्द्वानी पे कुछ पूछो। उसका उसका पेपर में कई बार निकला है कि कौन दीक्षित था, उनके ऑर्डर से गोली चली थी। ज्यादा पढ़े लिखे ऐसे कहलाते हैं, ठीक, गलत बात है। अरे उस चीज को क्यों नहीं मानना, जिसके घर से जाता है उनको पता चलता है, ठीक, इनको क्या पता कार से कैसे थे, ठीक, इनको तो कह दिया हाँ हाँ कर दिया, 2 मिनट लगी इनकी तो, लेकिन जिसके बाप ने गोली चलवाई हम कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मैं और मेरे बच्चों को भी याद दिलाऊंगा कि ये टेढ़ी नाक वाला, ये लाल टोपी वाला गद्दार है, इसको कभी नहीं चुनना। और जैसे ये इतनी देर से बोल रहे थे, ठीक, क्या पेपर पेपर कर रहे हो तुम, पढ़े लिखे पढ़े लिखे राहुल गांधी ऐसे क्यों, एक बार भी इन्होंने बोला कि राम भक्तों पे गोली चली, इनको 22 जनवरी को राम मंदिर की प्रोग्राम हुआ, इनको उस चीज का भी नहीं पता, ठीक है, और लेकिन इनको यूपी में इतने काम हुए वे भी नहीं दिखाई दिए। सुनो, यहाँ से गाजियाबाद से जैसे हम पहले लखनऊ जाते थे, पहले वो वाला हाईवे लेते थे, लेकिन एक जो ये इधर के निकलता है, जो मेरठ होके निकलता है, जय साइड के क्या कहते हैं रामपुर रामपुर रास्ते में पड़ता है, इस साइड के जाते, उस सड़क की हालत देखते थे ना, उस सड़क की हालत ऐसी थी कि जो 6 घंटे लगते थे ना 10-10 घंटे में पहुंचते, आज 6-7 घंटे में लखनऊ पहुंच जाते। ये तो सड़क का काम हो गया, तो नहीं पता ना। अगर ये बात युवाओं की कर रहे हो तो दिक्कत क्या है, बात तो राहुल गांधी भी युवाओं की कर रहे हैं, अंधे लंगड़े रेस में दौड़े, बता तो दिया सही कह रहे हैं, अंधे लंगड़े रेस में घोड़े। अरे साहब साबुत है ये तो, देखो तो साबुत, किसी को व्यक्ति का टिप्पणी नहीं करते। एक मिनट, जैसे ये जो कह रहे हैं ना कि किसने गोली चलवाया, हमारे समस्या अभी पेपर में भी निकला था किसने गोली चलवाया, चलिए चाचा, जिसने मंदिर एक बात बताया, जिसने मंदिर बनवाया उसी शायद संगठन में वो भी है, बनवाने में मंदिर बनवाने में उनकी भूमिका रही है। किनकी किनकी भूमिका रही, पूछना एक बार नाम पूछो, कोई दीक्षित के या पांडे करके है उसमें, इतने पढ़े नाम होगा, क्या नाम है, ये कह रहे नाम को तो नहीं पता नहीं इनको, आप उधर उधर भाग रहे हो, इनको नाम पूछ लो एक बारी, कौन थे वे बता दो चाचा। अरे उसी संगठन में मंदिर बनवा